ड्रग्स पार्टी, 11 अरेस्ट्स और एनसीबी की जांच चालू। लेकिन इस सब में एक नाम की बात हर कोई कर रहा है, वो नाम है सतीश मानशिंदे। कारण, सतीश मानशिंदे लड़ेंगे आर्यन खान का केस। ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। शाहरुख ने अपने बेटे को बचाने के लिए हाई प्रोफाइल वकील सतीश मानशिंदे पर भरोसा जताया। सतीश मानशिंदे जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। वो देश के सबसे महंगे और हाई प्रोफाइल वकीलों में आते हैं। वो कई बॉलीवुड सितारों के केस संभाल चुके हैं। इनमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुर्खियों में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से लेकर संजय दत्त और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स शामिल हैं। सतीश मानशिंदे कर्नाटक के धनोआ से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने यहाँ से कानून की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुख कर लिया। साल 1983 से सतीश मानशिंदे ने अपनी वकालत शुरू कर दी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी को असिस्ट किया। 10 साल तक राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील के साथ काम करने के बाद उनसे कानून के कई दाव पेच सीखे और उनकी बारीकियां सीखी, जिसके बाद उन्होंने नेताओं और हाई प्रोफाइल केसेस लेना शुरू कर दिया। सतीश मानशिंदे का नाम सबसे पहले उस वक्त सुर्खियों में आया जब मुंबई बम धमाकों के मामले में उन्होंने संजय दत्त की पैरवी का जिम्मा उठाया। ये केस काफी बड़ा था, जिसमें संजय दत्त का बच पाना काफी मुश्किल दिख रहा था। लेकिन सतीश ने अपने दांव पेच से संजय दत्त को जमानत दिलवाकर खुद को देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2002 में सतीश मानशिंदे अभिनेता सलमान खान का केस भी हैंडल कर चुके हैं। काला हिरन शिकार मामले में उन्होंने सलमान खान को जमानत दिलवाई, साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव केस में उन्होंने सलमान को पहले जमानत दिलवाई और फिर उन्हें इस केस से बरी करवा दिया। पिछले साल भी सतीश मानशिंदे उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा। चर्चा ये भी हुई कि रिया उनकी फीस कैसे अफोर्ड कर पा रही हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।